हेलो दोस्तों, आइए हम जानेंगे कि जो एम्बुलेंस है, जो भी पेशेंट्स को लेके जाता है हॉस्पिटल में, वो एम्बुलेंस जो होता है उसके सामने जो है वो उल्टे अक्षरों में क्यों लिखा रहता है एम्बुलेंस, है ना। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर जो उल्टे अक्षरों में है, तो मैंने यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर बनाया है जो ड्राइवर्स लोग यूज़ करते हैं उनके सामने पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। ठीक है, उसमें कन्वेक्स मिरर रहता है, तो याद कीजिए कन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये कन्वेक्स मिरर जो है वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, तो यानी कि उल्टा हो जाता है, साइड इधर का उधर, उधर का इधर होता है, तो साइड्स आर इंटरचेंज, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो जाता है। तो इसलिए जब जो पीछे से जो एम्बुलेंस आते हुए देखेगा, तो जो सामने वाला गाड़ी का जो ड्राइवर है ना, वो अपने मिरर में देखेगा कि वो एम्बुलेंस आ रहा है। यदि हम इसको उल्टे अक्षरों में लिखते हैं, तो वो जो ड्राइवर है, जो सामने गाड़ी का है, जिसको पास देना है, वो मिरर में वो सीधा दिखाई देगा, कन्वेक्स मिरर में उसको सीधा दिखाई देगा, इसलिए वो एम्बुलेंस को पास देगा। यदि हम इसको सीधा लिखेंगे, तो यदि हम सीधा लिखेंगे तो फिर इस तरह का इमेज बनेगा, तो शायद वो ड्राइवर को समझ में नहीं आया कि ये कौन सा व्हीकल है और उसको पास देना है, इमरजेंसी है। तो इसलिए ये उल्टे जो लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा रहता है, ताकि वो करेक्ट फॉर्म में वो ड्राइवर देखे और पास करे, है ना। तो अभी ये रेड कलर में क्यों लिखा रहता है, तो रेड कलर में लिखने का कारण ये है कि जो रेड का जो रेड है वो दूर से दिखाई देता है, प्रोमिनेंट दिखाई देता है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, लॉन्ग होता है, इसलिए स्कैटर कम करता है, तो प्रोमिनेंटली वो दिखाई देता है, इसलिए वो जो सामने वाले जो व्हीकल्स है ना, तो वो उसको पास दे सकते हैं।